नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नाशिक में उत्साही माहौल में शुरू हुआ तुंग यादव उत्सव। बागलान तहसील और अन्य क्षेत्र के ततारी और वाठोड़े गांव में डोंडी यादव उत्सव शुरू हुआ। बता दें कि आदिवासी क्षेत्र में दिवाली के बाद मार्ग शीर्ष का महीना आमतौर पर नवम्बर और दिसंबर के ठंडे दिनों में मनाया जाता है। तो वही देव डंडा गाँव में या खुले स्थान में हनुमान मंदिर के पास पांच मौलियों के हाथ से ये बनाया जाता है। इस जगह पर जड़े हुए गेंदे और तुलसी के पौधे भी लगाए जाते हैं। भगवान की छड़ी के पास मूर पंख, ककड़ी, नगली के बीज, उड़द के बीज, चावल और अनाज को एक गुच्छा रखा जाता है। तो वहीं पूर्णिमा की शुरुआत में पहाड़ी के किनारे देवता की पूजा करें, प्रकृति के देवता का आह्वान करें और जीव जंतु पशु पक्षियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इस तरह साध सकाड़े पहना जाता है। फिर सुबह होते ही सभी मावली घर आ जाते हैं और गाँव की महिला और बच्चे गाँव के बड़े बुजुर्गों के साथ उनके स्वागत का इंतजार कर रहे होते हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए लक्ष्मण चोरे के साथ गोविंद ठाकरे की रिपोर्ट। जय आदिवासी, जय कंसरा मावली, जय डोंगरे देव। न्यू ग्रो महाले गाँव वाठोड़ा बबरीपारा गांधीनगर। डोंगरादेव किंवा भायांचा कार्यक्रम देखील त्याला म्हटलं जातं। तर हा उत्सव साजरा केला जातो। हा जवळजवळ 15 दिवस हा कार्यक्रम चालतो आणि सर्व जे मावळे असतात ते अनवणी पायाने चालत असतात आणि खूप आनंदाने मोठ्या उत्साहाने ती थंडी असेल पण तरी सुद्धा काटकपणा या आमच्या समाजातील व्यक्तीमध्ये आहे। सायंकाळी 4-5 वाजेला जी खळी असेल त्या खळीच्या ठिकाणी जातो आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर जसं आम्ही भरणी घेऊन जातो मग भरणीचं गाणं काय घेऊन आला रे वंजारा भाऊ तू, भरणी लई वनू रे वंजारा भाऊ मी, वरती वाटे वनारे वंजारा भाऊ तू, चांगली वाटे वनू रे वंजारा भाऊ मी, काय टेकत वनारे वंजारा भाऊ तू, हिंगा टेकत वनू रे वंजारा भाऊ मी। खळीमध्ये प्रवेश करतो आणि त्या ठिकाणी आमच्या ज्या आदिवासी महिला भगिनी असतात ते युवा उभारतात आणि मग त्या ठिकाणी सर्व झटकून बारीक खण उतरून देतो आम्ही आणि मग गडावर शेवटच्या दिवशी जे काही नूतन असेल मुदानी मावली त्या ठिकाणी टाकते आणि ती त्या ठिकाणी निसर्ग देवताला असे विनवणी करते की ही जे काही ओगराई असेल ती बारीक खंड उतरून द्या, दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन द्या, निर्मळ अगदी निर्मळ असा होऊ द्या असा आमचा उद्देश
हाय।